आदाब नमस्कार सत श्री अकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ वार न्यूज़। बैंक सखियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। सात सूत्रीय मांगों को लेकर बैंक सखियों ने किया प्रदर्शन। बैंक सखियों ने मांगों को लेकर धरना भी दिया। आपको बताते चले प्यार वर्ष के यहाँ पर ज़िले में डेढ़ साल पहले शासन देश से लगभग 500 के लगभग 20 सखी की नियुक्ति हुई और जिनका मानदेय 4000, उनके मानदेय को लेकर आईडी बनवाने को और पॉस मशीन जो उनसे ज़बरदस्ती खरीदवाई गई है उसको लेकर और बहुत सारी उनकी सात सूत्रीय मांगे, आइए सुनते हैं। आपने कलेक्ट्रेट में आपने धरना दिया हुआ है, क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है आपकी, किस संबंध में आपने ये धरना दिया हुआ है? आप बीसी सखी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है, गांव आहार से, ब्लॉक अनूपशहर, जिला बुलंदशहर। हमारी मांगे ये हैं कि जो हमें 75,000 रुपया दिया गया था वो हमें ब्याज पे तय नहीं किया गया था और अब वो हमें 4% की ब्याज से वापस करने के लिए बोला गया है। और हमारी 4 महीने का वो 6 महीने का सॉरी मानदेय दिया गया है, तो क्या पूरी जीवन जो है हम 4-6 महीने के जो है मानदेय में ही हमारी जीवन थोड़ी ना कटेगा? आपकी नियुक्ति को कितने साल हो गए? 1.5 साल। 1.5 साल में 6 महीने का मानदेय मिला है आपको? यस। उसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, मशीन 25,000 की दी गई है, 75,000 में हमारे लिए, और 1652 की रिवाज दी गई है, उससे अपना काम करें और फिर 75,000 भी भरें। उसमें भी सर फील्ड का काम कराने रोज मशीन वापिस ली जाए। बच्चे हैं, बच्चों को छोड़कर के कैसे फील्ड का काम करने जाए? 4,000 मान दे के ऊपर 25,000 की पोच मशीन हम 25,000 कहाँ से भरेंगे? अपनी जेब से भरेंगे, किसान लोग हैं हम, कोई आमदनी तो है नहीं है। 75,000 में माफ किया जाए, माफ किया जाए, 6 महीना सैलरी परमानेंट की जाए, हमारी 6,000 सैलरी परमानेंट की जाए और 75,000 हमारा माफ किया जाए, हमारा हेल्थ बीमा किया जाए 1,00,000 का, 20,00,000 का दुर्घटना बीमा किया जाए। 6 महीने 24,000 के बैठे, 25,000 की मशीन दे रहे, क्या बच रहा है? कुछ नहीं। और सरकारी बैंकों से जोड़ा जाए हमारे लिए। दीदी आप सभी लोग बैठ जाओ। 25,000 में कुछ नहीं बच रहा सर। 24,000 रुपए 6 महीने के हो रहे हैं, 25,000 की मशीन दे रहे हैं, 1652 की एक मशीन दे दी हमको, तो ब्याज उसमें जा रही है, कमीशन है ब्याज में जा रहा है 75,000 के में, हमें कुछ नहीं बच रहा है। अच्छा, मशीन की जो है जरा स्पष्ट करें, मशीन की डिटेल के बारे में होता है सर। पहले तो 1652 रुपए की मशीन बोला था कि 1652 की मशीन 75,000 में चली जाएगी। कौन सी मशीन? हैंड डिवाइस। फिर उसके बाद पोस्ट मशीन मंगा दी कि 25,000 की उस मशीन को लो। ठीक, अब हम 25,000 की उस मशीन को ले, 1652 की उस मशीन को ले, अब फिर काम किससे करो? उस समय काम करना, फिर 75,000 वापस भेज देना है, वो भी 4% की ब्याज। और 24,000 रुपए 6 महीने के बैठ रहे हैं, 25,000 रुपए की मशीन, तो हमारा तो 25,000 रुपए भी नहीं बैठ रहा हमारा, तो 24,000 की मशीन क्यों ले हम? अच्छा, आपने जो शिकायतें करी अपने डिपार्टमेंट में ब्लॉकों पे, सरकारी बड़े आला अधिकारी क्या कहते हैं आपसे? हम क्या कह सकते हैं, ऊपर से आई हुई है उनको थोड़ी है, पीटीएम वाले अलग हैं, ब्लॉक वाले सर अलग हैं। तो हर बीसी सखी से 25,000 रुपए जमा करेंगे सर? पर ये किसी ने ली है, किसी ने नहीं ली सर। 75,000 में से काम भी चलाना हमको, और प्लस उसमें जब वापस भी करनी 75,000 रुपए, तो फिर हम काम किससे करेंगे सर, आप बता दीजिए। और 10,000 रुपए पर हमें 80 रुपए मिल रहा है कुल, अगर हम वैसे भी जनसेवा केंद्र खोलेंगे सर, 10,000 रुपए हमको 100 रुपए मिलता है, तो हम पूरे दिन भागा अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के ट्रांजेक्शन करेंगे क्या हम उनका? कि खाना बना रहे तो ट्रांजेक्शन करो, ये करो, अगर अब वो भी 75,000 में से हमें क्या बच रहा है फिर बताओ? 25,000 की सर, 75,000 की 25,000 की एक मशीन ले ली, 1652 की एक मशीन ले ली, क्या बचा फिर बता जी हमें? और 24,000 हमें 6 महीने के मिल रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चों को छोड़ते सब कुछ छोड़ते हैं, 2400 रुपए में क्या मिल रहा है बता दीजिए हमें, हमें अपनी जेब से ही देना पड़ा है सर। अच्छा, प्रतिदिन जो आपकी जो ड्यूटी होती है कितने घंटे की होती है सर? हमारा 24 आवर्स का, हमें तो जब आ जाएगा तभी ट्रांजेक्शन करना होता है, खाना बना रहे हैं तो ट्रांजेक्शन करना, हमें तो 24 आवर्स करना है, 24 घंटे स्टैंड बाई। अगर कस्टमर अगर आ जाए इमरजेंसी के लिए, किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए हम लोगों बीसी सखी को लिए उपलब्ध है सेवा, कि अगर कोई घर पे बेचारा कोई बड़ा बुजुर्ग है, बहुत ही बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े होते हैं, चल नहीं पाते, विकलांग होते हैं, उनके मैं घर घर जा जा कर पैसे निकालती हूँ। अगर हम लोगों को दुर्घटना हो जाए
तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जल सखी की शहजादी में रात को भी जाना पड़ता है बाजी पैसे निकालने के लिए, अगर कोई बात होगी तो कौन झेलेगा उसको रात की रात में। अब आपने आज ज्ञापन दिया? हाँ जी आज दिया है। अच्छा आप लोग गर्मी में यहाँ पे आपने ज्ञापन दिया? हाँ सर ज्ञापन दिया। अच्छा योगी जी महाराज तक आपकी बात जाएगी, योगी जी से क्या कहना चाहते हैं आप? योगी जी से कहना चाहते हैं हमारी लैपटॉप चाहिए हमें, हमारे 75,000 माफ किए जाए, हमें अगर मानदेय आपको परमानेंट मिलता रहे तो उससे भी तो आसानी हो जाएगी आपको, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी आपको। कमीशन के लिए लैपटॉप मिल जाएगा सही है, और 75,000 रुपए माफ होगा।